किससे फोन कर रहे हो? दाई को। दाई को क्यों? क्योंकि वो उसकी कोई बात मना नहीं करती। मैं देखता हूँ ये बात इनकार करती है कि नहीं। कौन सी बात? उसको डिनर पे लेके जाऊंगा। मुस्तजाब वो तुम्हें लेने आ रहा है। मुझे लेने? Are you serious? Yes, 110%। अरे यार अम्मा अब्बा ने खुद मुस्तजाब की रिक्वेस्ट पर उसको इजाजत दी है कि वो तुम्हें खाने पे लेके जा सकता है। मैं ये तो नहीं जानती कि आपको किस तरह का खाना खाना पसंद है, लेकिन मुझे यहाँ की दाल और चिकन कढ़ाई बहुत ज्यादा पसंद है, और उसके बाद तंदूरी चाय तो उफ कमाल की होती है। Wow. Whatever. I mean, whatever makes you happy. I'm glad at least क्लासरूम से बाहर आए हो। जी मतलब हम जब थोड़ी देर पहले ड्राइव कर रहे थे आप एक क्लासरूम में थी, काफी संजीदा और सीरियस। वैसे अब हम एंगेजमेंट के बाद ही मिलेंगे। तेरे नाल गल्ला होया गल्ला ने हजार गल्ला ने हजार। ये खाना तुम्हें पसंद है? ये खाना आज से मुझे भी पसंद है। चेहरा सारी दास्तान तो सुना रहा है, लेकिन मैं फिर भी सुनना चाहूंगी कि मुलाकात कैसी रही। It was fruitful. उसने आज engagement का पूछा। Really? She did? She did. तो नेक काम में देरी कैसी, मैं कल ही जाके डेट फाइनल कराती हूँ ताकि मेरे बेटे का चमकता हुआ चेहरा मजीद रोशन हो जाए। मैं सोचा था जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हाँ बेटा बिल्कुल। नहीं मैं सोचा था कि मैं पाकिस्तान नहीं रह सकता, मुझे इवेंचुअली अमेरिका मूव होना होगा और मेरी मजबूरियाँ। बेटा हम उनके साथ कुछ बुरा तो कर नहीं रहे, ना हमारी नीयत में खराबी है ना ही बेईमानी है। ये तो दुआ की बिल्कुल ही बचकाना सी एक जिद है जिसमें निम्रा और सजाद भाई उसे सपोर्ट कर रहे हैं। भाई शादी के बाद बच्चियां कहां से कहां पहुंच जाती हैं। ये क्या बेवकूफाना जिद है कि भाई शादी के बाद भी पेरेंट्स से जुड़ के रहना है। इट्स रियली इलॉजिकल। और अगर ऐसे में हमने उनसे थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो कोई बात नहीं। बट मॉम शादी के बाद तो वो पाकिस्तान में रहने के लिए फोर्स करेगी ना, फिर क्या होगा? क्या इस बात पर हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? तो मैं क्या करूँगा? सुनो बॉबी, हमारी मुसलमान मशरकी लड़कियां मोम की तरह की होती हैं, शादी के बाद खुद को मियाँ की पसंद के सांचे में डाल लेती हैं। तुम एक दफ़ा उसे शादी के बंधन में बांधो तो सही, फिर देखना जो तुम कहोगे वो वही करेगी। फिर अमेरिका छोड़ चांद पे जाकर बसने का कहोगे तो वो आंखें बंद करके तुम्हारे साथ चल देगी। Are you sure, Mom? Yes, मेरी जान, I'm sure. और माम उसके पेरेंट्स अगर वो की प्रोटेस्ट करेंगे तो? तुम खाम खान देशों का शिकार हो रहे हो। शादी के बाद तो पेरेंट्स ज्यादा जतन करेंगे कि बेटी की शादी कायम रहे। तुम देखना वो खुद दुआ को कन्विंस करेंगे कि हर हाल में तुम्हारा साथ देना है। ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिसे लेके तुम इतना परेशान हो रहे हो। एक दफा मंगनी हो जाने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हमारे माशरे में दामाद की बात की क्या अहमियत होती। तो फिर मंगनी क्यों माम, शादी क्यों नहीं? शादी ऑफ कोर्स। इतनी जल्दी? मुझे एक दफा कोई चीज पसंद आ जाए मैं तब तक सुकून नहीं आ सकता जब तक मैं उसको हासिल ना कर लूं। I'm just so uncomfortable। देखते। I love you। मुस्ताब और शकीला रात को खाने पे आ रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात भी है। लगता है इन लोगों को हमारी दुआ को अपने घर ले जाने की बहुत जल्दी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो किसी तकरीब का मुतालबा जरूर करेंगे। हाँ, तो हमारे इकरार के बाद मेरे ख्याल है उनका अगला कदम यही होना था। और क्या है, कर देंगे। मुस्ताब 2 माह के लिए आया है सज्जाद, तो हमें तकरीब इसी माह में करनी होगी। तो क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, हमारी बेटी की खुशियों का मामला है। ज्यादा से ज्यादा मंगने के लिए कहेंगे ना, करेंगे धूमधाम से, दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। मैं इस कदर खुश हूँ कि दुआ मान गई, एहसान है मेरे मालिक का। सच पूछा सज्जाद, मुझे तो ये रिश्ता बहुत ही पसंद आया। कोई कमी नजर ही नहीं आती ना, जाने पहचाने लोग हैं, ख़ानदानी, खुशहाल और सबसे बढ़कर कदरदान। मुस्ताब कितना अच्छा है ना, दुआ की खातिर पाकिस्तान शिफ्ट होने को तैयार हो गया है। एहसान है तेरा मालिक। सोच सोच के दिल निहाल हो रहा है कि मेरी बेटी के नसीब इतनी अच्छी जगह खुलने जा रहा है। आई एम सो हैप्पी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हैं कहाँ साहबजादी? अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाद रहो, आबाद रहो। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई, जीती रहो। आ जाओ आ जाओ। जी जी जी, बैठो। बिस्मिल्लाह। और दो बेटी कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब, आपकी दुआएं। इमाम साहब, आपके लिए खुशखबरी है। माशाल्लाह। दुआ की बात है, इसीलिए खास तौर पर आए हैं दुआओं के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू इमाम साहब। देखो वक्त कैसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चला। वाकई बस इमाम साहब दुआ के मुस्तकबिल के लिए दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाअल्लाह ताला आप लोग तो हमेशा हमारी दुआ में होते हैं और दुआ बेटी तो अक्सर सज्जाद साहब के साथ यहाँ आती है। इस मस्जिद से बहुत प्यार है। बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं आप लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं नहीं इमाम साहब, बस अब हम लोग शुक्राने के नफल पढ़ेंगे और बस जाएंगे। जरूर बेटा, जो लोग अल्लाह का घर आबाद करते हैं अल्लाह उन्हें आबाद करता है। बेशक बेशक। भाई आज हम माँ बेटा तुम लोगों को एक सरप्राइज देने आए। अच्छा, लेकिन दयान और दुआ कहाँ हैं? ये जरा गए हुए हैं। अरे देखो माशाल्लाह आ गए। बहुत लंबी उम्र है माशाल्लाह। अभी जिक्र किया और आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? ठीक बिल्कुल। दुआ, शकीला आंटी आज सरप्राइज देने के लिए आई है कोई। मेरे ख्याल में मजीद हमारा इम्तिहान ना लिया जाए। क्या सरप्राइज है बॉबी भाई? सरप्राइज तो हम डिनर के बाद देंगे। फिलहाल तो ये दुआ बेटी के लिए एक छोटा सा तोहफा। ये क्या है? दो खानदानों के एक होने की खुशी में बस एक छोटा सा सॉवेनियर। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अभी तक हमने कोई तकरीब तो की नहीं। तकरीब भी करेंगे इंशाल्लाह। ये तो दुआ बेटी के इकरार की खुशी में खुशी का इजहार है। बस एक छोटा सा तोहफा है। अब इजाजत हो तो पहना दूं? अरे भाई हाँ कर दी है, लड़की आपको दे दी है तो पहना दी। मॉम एक मिनट, ये तो मेरा राइट नहीं है। मुझे लगता है आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हैं। अच्छा जी, तो माँ को अभी से साइड लाइन। आप आ जाइए, माँ तो बेटे की खुशी में खुश है। रुको, पीछे तो बनती है ना यार। जगह बहुत पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। और क्या पसंद है? और बहुत कुछ पसंद है। सच है? मेरी फैमिली, अम्मा अब्बा दाई। मुझे अपने रिश्तों से इश्क है। और मेरा घर, अपना कमरा, मेरा टेरेस, मेरा बैकयार्ड, वहाँ बोलते परिंदे, बहता पानी, जानवर, सब कुछ। और क्या बोलूँ, मुझे अल्लाह की बनाई हुई हर अच्छी चीज़ बहुत पसंद है। और मुझे तुम पसंद हो, सिर्फ तुम। तुमने अपने पसंद की हर चीज का नाम लिया, बस मेरा ही नाम नहीं लिया। लेकिन अब मैं चाहता हूं तुम सिर्फ मेरा नाम लो। मुस्ताब प्लीज। Do you like it? Yes, it's beautiful. एक बात पूछ सकता हूँ? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब हम अकेले होते हैं तो तुम अनकंफर्टेबल, अनईजी होती हो? मुस्ताब, मैं बहुत खुद एतमाद हूँ, खुद पर बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन मेरे अपने कुछ नजरियात हैं। मैं समझती हूँ हम जब तक नामहरम हैं तब तक हमारा एक दूसरे को छूना ठीक नहीं है। नामहरम मतलब? आपको नामहरम का मतलब नहीं पता? ऑफ कोर्स पता। नामहरम मतलब कोई गैर, जैसे वो खिड़की के पार गुजरता हुआ कोई इंसान है, वो नामहरम है, जिसको आप नहीं जानते हैं, राइट? मुस्ताब सीरियसली आपको नहीं पता नामहरम क्या होता है? तुम बताओ। आप और मैं एक दूसरे के लिए नामहरम हैं। ना आप मेरे भाई हैं, ना बाप, ना शौहर। आपका और मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। तो मुझे तुम्हें छूने के लिए तुम्हारा महरम बनना जरूरी है। Exactly. और हम महरम कब बनेंगे? जब हमारा निकाह होगा। दुआ, मुझे तुम्हारा महरम बनना है। As soon as possible. In fact, मैं और मामा आज तुम्हारे घर पे यही बात करने आए तुम्हारे पेरेंट्स से। क्या मम्मी नहीं, हम डायरेक्ट निकाह करना चाहते हैं। बताओ ना शकीला, शादी इतनी जल्दी? भाई मैंने बताया तो था कि मुस्ताब सिर्फ 2 महीने के लिए आ रहा है, तो हम मंगनी जैसी रसूमात में क्यों वक्त जाया करें खामखा? क्यों ना शादी का अहम फरीजा अदा करते हैं। मेरे ख्याल में दोनों इकट्ठे हनीमून पे अमेरिका चले जाएंगे और हम यहाँ कोशिश करके जितनी जल्दी मुमकिन होगा उन्हें पाकिस्तान शिफ्ट करा लेंगे। अब भला खुद ही बताइए, इस ख्याल में कोई बुराई है? देखो शकीला, ये वो दौर नहीं है जिसमें चट, मंगनी और पटबिया बहुत आसान होता था। अच्छा वेन्यू ढूंढने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। फिर बच्चों की शादी है, कोई खेल नहीं है, और हमारी तैयारी भी नहीं है। सजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शकीला। देखो ना, अभी कल तक तो हम दुआ को बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे थे। आज तुमने एंगेजमेंट रिंग पहनाकर उसे बड़ा बना दिया है। अब हमें कुछ वक्त हो तो ज़हनी तौर पर तैयार होने के लिए। आओ बेटा आओ, देखो तुम्हारी माँ को कितनी जल्दी है तुम्हारी शादी की। अंकल जल्दी मामा पे नहीं, जल्दी मुझे। एक्चुअली मैं अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊँ तो मुझसे इंतज़ार नहीं होता। मैं चाहूँगा आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें। मैंने दुआ से भी बात की है, वो नर्वस है। आई एम श्योर अगर आप लोग बात करेंगे उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। बस अंकल जो भी डिसीजन ले आए हो हमारे फेवर में हो। दुआ बेटे क्यों टहल टहल के खुद को हल्कान कर रही हो? देखो बेटा, जब लड़के वालों को हाँ कह देते हैं एक बार तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानते, चाहे कोई बात दिल पे नागवार गुजरे तब भी। और वैसे भी उन्होंने कौन सा गैर जरूरी मुतालबा कर लिया? क्यों बताओ ना। अरे हाँ बेटे, जो काम 6-8 महीने बाद होना था वो 2 माह बाद हो जाएगा। कितनी पॉजिटिव बात की उन्होंने। जहेज वगैरह की किसी फॉर्मेलिटी में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं, और सच पूछो जितने प्यार और अपनाइत से मुस्तजाब ने कहा ना, मुझे तो सिर्फ दुआ चाहिए, ये बात तो मेरे दिल को लग गई। यानी मेरी किसी भी बात पसंद नापसंद और एहतजाज की कोई अहमियत नहीं है। अरे मेरा बेटा, ये हम में से कौन कह रहा है तुमसे? बताओ, जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। बताओ क्या चाहती हो? मुझे भी ये शादी नहीं करनी। 2 माह में शादी, इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है, मेरा मास्टर्स इनकम्प्लीट है, मेरा एक पूरा सेमेस्टर रहता है, मेरी फर्स्ट पोजीशन बन रही है, और अगर मैं शादी के चक्कर में पड़ गई तो मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। मैंने इतनी मेहनत की है फर्स्ट पोजीशन के लिए, और सिर्फ इसलिए अपने ख्वाबों से हाथ धो लूं क्योंकि उसे शादी की जल्दी है? नेवर। मुझे नहीं करनी शादी इतनी जल्दी। बता दे उनको जाके कि ज्यादा धौंस जमाने की जरूरत नहीं है, हम अपना फैसला नहीं बदल रहे, चाहे वो फिर जितनी भी जिद कर लें। अब्बा इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। अच्छा जा। लड़की बहुत जिद्दी है। मुस्ताब सर आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ आज? थोड़े से क्या हुआ? नहीं। ओके। आज मैं थोड़ी जल्दी आ जाऊंगी, चल के तुम्हारे दुआ के ड्रेस फाइनल कर लेंगे। हम शायद भूल रही हैं, उन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। सोचने का वक्त तो सबको चाहिए होता है ना, लेकिन मैंने तुम्हें ये भी बताया कि यहाँ हमारे माशरे में लड़की के वालिद हैं बातों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और हमने उनसे कोई नाजायज डिमांड भी नहीं की है। शी वांट्स टू कंप्लीट हर स्टडीज, हम शादी के बाद करवा देंगे। तुम परेशान ना हो, आई नो कि वहां से जवाब पॉजिटिव ही आएगा। मैंने कहा था ना उस लड़की में कोई जादू है, सबको अपना असीर बना लेती है। असीर कह दी मोहब्बत का। मॉम लेकिन अब वक्त आ गया कि मैं उसे अपना असीर कर लूं। वाह भाई, लेट्स सी कौन किसका कैदी बनता है। Cheer up. All will be fine. बेगम साहिबा, कोई देहान साहब आए हैं। I don't believe it. जवाब आ गया। बिठाओ, होने में आ रही हूँ। Let me go. सजाद भाई और निम्रा क्यों नहीं आए? बल्कि दुआ को भी लेके आना था, वो अपना घर तो देखती। जी फिर कभी इंशाल्लाह। अच्छा क्या लोगे, जूस, कॉफी, चाय? व्हाट डू यू वांट? नहीं आंटी थैंक यू। दरअसल एक जरूरी बात डिस्कस करनी थी। हाँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि शायद आप लोग शादी में जल्दी करना चाहते हैं ना? प्लीज कंटिन्यू। असल में दुआ इन मामलात में इतनी उजलत की हामी नहीं है। वो उसको भी थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त? यही कोई 6-8 महीना। असल में वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती है। वो चाहती है कि अपना मास्टर्स कंप्लीट कर ले पहले, क्योंकि अगर शादी हो जाएगी तो फिर वो इतना तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी, फोकस नहीं कर पाएगी ना। लेकिन दाई बेटा, हमने ये वादा किया है ना कि शादी के बाद हम उसका मास्टर्स खुद कंप्लीट करवाएंगे, तो ये जिद कैसी? अरे नहीं आंटी प्लीज, आप इसको गलत ना समझें। जिद थोड़ी है, ख्वाहिश है। लेकिन दाई बेटा। इट्स ओके मॉम, जस्ट लीव इट। मुझे नहीं लगता दूसरों की ख्वाहिशात का एहतराम कर सकती है वो। किसी के जज्बात का एहसास हो उसे, क्या मोहब्बत की कदर कर सकती है? क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। हर जगह झुकता गया, सरेंडर करता गया, लेकिन आज भी वो सिर्फ अपना सोच रही है, अपनी बात मनवाना चाहती है। बॉबी प्लीज प्लीज कूल डाउन। व्हाट मॉम? वो क्या दुनिया की आखिरी लड़की है क्या? बॉबी बेटा, मैं उससे बात करती हूँ। लगता है बहुत हर्ट हो गया, उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। मैं समझाती हूँ उसे। हाँ इट्स ओके आंटी। कब तक लगाएगा ये आना? क्या मैं पागल हूं क्या? कब तक सुनूंगा? बॉबी क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरी जान? काम डाउन, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन ऐसा तो आपने कभी पहले नहीं किया। इसे क्या कहते हैं माँ? किसे मेरी जान? ये जो मेरी कंडीशन है, जो मैं फील कर रहा हूँ, इसके लिए सूटेबल लफ्ज कौन सा होगा? मैंने कभी ये मेंटल कंडीशन फेस नहीं किया, मुझे पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। ये है क्या? ये इश्क है, ये प्यार है, ये उसकी अना है, ये मेरी जिद है, ये उसकी कशिश है। मुझे रिजेक्शन नहीं आने लो। क्या है? बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मैंने तमाम करीबी रिश्तेदारों को बात पक्की होने की खुशखबरी भी दे दी। मैंने तो मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया है। समझ तो मुझे भी नहीं आया इन लोगों का बिहेवियर। पहले इतना इंटरेस्ट दिखाया इन लोगों ने और उसके बाद ये सब कुछ। आप लोग इतनी टेंशन ना लें। अल्लाह के हर मामले में कोई ना कोई मसलिहत होती है। आज मैंने मुस्तजाब को बहुत गुस्से में देखा। वो इतनी जल्दी फैसला सुनाकर चला गया तो हैरान से ही रह गया। जरा पेशेंस का मुजाहरा नहीं किया उसने, किसी तदब्बर का, तहम्मुल का इजहार करने की जरूरत ही नहीं समझी। दुआ बहुत सुलझी हुई, नर्म मिजाज, ठंडी तबीयत की लड़की है और फिर वो हर मामले में लॉजिक से चलना चाहती है। और मुस्तजाब मुझे लॉजिक से नहीं बल्कि जज्बात से काम लेने वाला इंसान नजर आया। तुम्हारी गुफ्तगू से लगता है कि आज मुस्तजाब तुम्हें दुआ के लिए सूटेबल पर्सन नहीं लगा, राइट? जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि दुआ की शादी ऐसे लड़के से हो जो नरम छांव जैसा हो, तपती धूप जैसा ना हो। इसलिए अगर वो लोग वाकई इस रिश्ते से पीछे हटना चाहें तो आप लोग अफसोस ना कीजिएगा। बल्कि बेहतर होगा कि हम खुद ही इनकार करते हैं। दुआ के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मुझे तुम्हें छूने के लिए तुम्हारा महरम बनना जरूरी है। Exactly. मुझे तुम्हारा महरम बनना है। As soon as possible. मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा शकीला, अचानक ये सब क्या हो गया है, कैसे हो गया है? बहुत शॉक्ड हूं मैं। जरा सी बात से बात शुरू हुई और जरा सी बात पे खत्म भी हो गई। ऐसा कब होता है? कुछ भी खत्म नहीं हुआ निम्रा। बॉबी बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। वो इतना हर्ट होगा इसका तो मुझे खुद अंदाजा नहीं था। किसी लड़की के लिए इतना संजीदा होगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। बॉबी अमेरिका में परवान चढ़े, वहाँ लड़कियों से मिलना जुलना, दोस्ती होना, गपशप लगाना, कुछ नया नहीं उसके लिए। निम्रा मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इतना संजीदा, इतना पोजेसिव और इतना एग्रेसिव हो गया। I swear मैं I'm myself surprised। उसने कहा था कि वो दुआ को जल्द से जल्द अपनाना चाहता है और उसने पैगाम भिजवा दिया कि उससे शादी की कोई जल्दी नहीं है। बस ये सुन के वो अपसेट हो गया। उसे लगा कि दुआ को उसके जज्बों की शिद्दत और प्योरिटी का अंदाजा ही नहीं। I'm sorry शकीला, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन 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 दायान और सज्जाद दोनों का मुतफिका फैसला है कि ये जोड़ मुनासिब नहीं है। हमें रिंग वापस कर देनी चाहिए। व्हाट? देखो वो अभी गुस्से में है, अपसेट है, उसे थोड़ा सा टाइम दो, वो खुद पलट के अपने फैसले को देखेगा। शकीला मैं मजबूर हूँ। हमारे घर में एक दूसरे के फैसलों का एहतराम किया जाता है और दायान बज़िद है कि ये रिश्ता मुनासिब नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं रिंग वापस भेज दूँ। देखो मैं आ रही हूँ निम्रा, हम बैठ के बात करते हैं। हाँ दुआ, आ जाओ दाई। दुआ चलो कहीं बाहर चलते हैं। क्यों, कहाँ? वो शकीला आंटी आ रही हैं। अम्मा अब्बा चाहते हैं कि उनको रिंग वापस करके इस रिश्ते से माजरत कर ली जाए। मेरा ख्याल है कि तुम्हें ऐसे मौके पे घर पे नहीं होना चाहिए हो सकता है मुस्तजाब उनके साथ हो, तुम्हारा सामना ना ही हो तो बेहतर है। क्या हुआ दुआ, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। अगर तुम्हें रब्बा को लगता है कि अंगूठी वापस करके माजरत कर लेनी चाहिए तो मैं किसी मुख्तलिफ सोच का इजहार नहीं करूँगी। मेरे लिए सबसे पहले मेरी फैमिली और उनके डिसीजंस। थैंक यू। चलें? प्लीज चलो। मैं तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं करता दुआ। जानती हूँ। आज मैंने उसका बहुत मुख्तलिफ रूप देखा है। समझ गया उसकी नेचर। बहुत डोमिनेंट है, ईगोइस्टिक, एग्रेसिव, मगरूर इंसान है। ऐसे इंसान अपने से जुड़े रिश्तों की पसंद नापसंद, उनकी राय, किसी चीज़ का एहतराम नहीं करते हैं। वो मैं जानता हूँ, मैं बहुत खुद पसंद हूँ, मैं इगोइस्टिक भी हूँ और डोमिनेंट भी हूँ, और ये सब कुछ मेरी पर्सनालिटी की डार्क साइड है। लेकिन अगर एक दफ़ा मैं किसी से दिल से रिश्ता छोड़ लूँ तो मैं आखिरी सांस तक उसे निभाने की कोशिश करता हूँ। ये खाना तुम्हें पसंद है, ये खाना आज से मुझे भी पसंद है। क्या हुआ, कुछ गलत कहा मैंने? हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने शायद सुना नहीं। दुआ, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा था। तुम और बॉबी दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज हो। तुम दोनों की सोच बहुत डिफरेंट है। तुम दोनों की जिंदगी गुजारने का तरीका बहुत अलग है। बहुत ऑपोजिट हो दोनों। तुम दूसरों के लिए जिंदगी गुजारती हो और वो सिर्फ ये सोचता है कि उसकी क्या प्रायोरिटीज है। बहुत सेल्फिश किस्म का आदमी हो। तुम दूसरों की ख्वाहिश, उनकी पसंदीदगी, उनकी रजामंदी, उन सब का एहतराम करते हो और वो सिर्फ अपने आप को मुकद्दम समझता है। कभी भी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। Do I request you? Please reconsider your decision. मैं आपको बहुत खुश रखूंगा यार। दूसरे लफ्जों में कहने में आपके लिए बहुत कुछ करूंगा। मैं समझता था सबसे ज्यादा जिद्दी मैं हूं, आज समझ आया मुझसे ज्यादा जिद्दी वो है। मैं समझता था मैं खुद पसंद हूं, आज नजर आया कि मुझसे ज्यादा खुद पसंद वो है। मैं इस तरह कब तक झुक के रहूंगा माँ? आप जानती है मैं झुकने वाला इंसान नहीं हूं। तो शकीला, यही बातें हैं जो हमें भी परेशान कर रही हैं। हम दुआ से बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते कि गर्म हवा भी उसे छू के गुजरे। और मुस्तजाब बहुत गर्म तबीयत का मालिक है, उजलत पसंद है। तुम्हारे बेतहाशा प्यार ने उसे अना परवर भी बना दिया। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है।